नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु चिन्मय प्रथमे हेडलाइंस इतिहास रचिले बक्सर लवलीना सेमीफाइनाल रे पहुंची भारत पाई आउ एक पदक करिले पक्का तीरंदाज रो क्वार्टर फाइनाल रे प्रथम भारतीय भावरे पहुंचिले दीपिका सेपटे ट्रैक रे निराश कले दुति हिट से सप्तम स्थान रे रहिले राज्य में पुणी 66 जीवन नेला कोरोना सुंदरगढ़ रु सर्वाधिक 11 मृत्यु सेपटे 24 घंटे 1558 पॉजिटिव चिन्हट खोर्धा 479 कटक 241 आक्रांत आज राज्य में ऑफलाइन मैट्रिक परीक्षा आरंभ 504 सेंटर रे परीक्षा दे 15151 जन छात्र छात्री परीक्षा केन्द्र को प्रवेश पूर्व थर्मल स्कैनिंग शिक्षक मानकर होई एंटीजन टेस्ट आसीबा योजनार लाभ पाउनाहांती अनाथ शिशु कोरोना काल में तथ्य संग्रह होउनथिबा अभियोग गंजाम रे 2066 जन शिशु योजन सामिल होगा अपेक्षार इसीपाई सरकारी अर्थ हरिलुट भांगिकी पुणी करुछंती तैयारी ठीक थिबा चट्टाण को भांगी पुणी काम करुछि पूर्त विभाग जटणी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रु आसिला संगीन अभियोग शेषे नयागढ़ दुई माउंटमैन हरि और कृष्ण बेहरा पहाड़ काटी तैयारी कले 3 किलोमीटर रास्ता 20 वर्षर कठिन परिश्रम पर मिलला सफलता एथर संपूर्ण खबर बॉक्सिंग रिंग रु भारत पाई बड़ खबर इतिहास रचिले लवलीना सेमीफाइनाल रे पहुंचिबा सह भारत पाई आउ एक पदक पक्का करिछंती सेमीफाइनाल रे हारिले मध्यो तांको ब्रोंज पदक निश्चित भाव में मिले तबे पूरा देशवासी आशा करिबे से फाइनाल रे प्रवेश करिबा सह गोल्ड किंबा सिल्वर जितंतु जदि ओलंपिक्स रे भारत रो रेकॉर्ड देखिबा तबे 2008 बेजिंग ओलंपिक्स रे विजेंद्र सिंह को ब्रोंज लंडन ओलंपिक्स रे मेरिकॉम को ब्रोंज और 2020 रे लवलीना आउ एक पदक पक्का करिछंती सेपटे निराश कले दौड़राणी दुति 100 मीटर दौड़ रे सप्तम स्थान रे रहिले 11.54 सेकेंड सह दुति को सप्तम स्थान रे संतुष्ट रहबा को पड़िछे हिट 5 रे जमैकार एक्सप्रेस रो 10.84 सेकेंड रे समय सह प्रथम स्थान रे रहिछंती हिट रो प्रथम तीनोटी स्थान रे रहिथिबा एथलीट परवर्ती राउंड पई क्वालिफाई करिछंती तीरंदाज रे इतिहास रचिले दीपिका कुमारी ओलंपिक्स रो क्वार्टर फाइनाल रे पहुंचिबारे हेले प्रथम भारतीय तीरंदाज दीपिका रुषिया रो खिलाड़ी को सुट आउट रे 6-5 रे हराई एही सफलता हासिल करिछंती शेष 8 जन को भितरे स्थान पाइबारे दीपिका होछंती प्रथम भारतीय महिला सिंगल रो पंचम सेट पर स्कोर 5-5 रे रहितला चाप सत्ते सुट आउट रे परफेक्ट 10 स्कोर करिथिले दीपिका आज मैच रे रियो रे सिल्वर पदक जीतिथिबा सोनिया पेरवांग को बाहर रो रास्ता देखाई छंदी असवा परवर्ती खबर को राज्य रे आज ठो आरंभ होई ऑफलाइन मैट्रिक परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा फल रे असंतुष्ट थिबा छात्र छात्री परीक्षा देउछंती अगस्त 5 तारीख जाय परीक्षा हेबा को थिबा बेले पूर्वाह्न 9:30 रे परीक्षा केन्द्र को प्रवेश करिछंती छात्र छात्री दिन 10:00 रु 12:30 पर्यंत परीक्षा हेबो प्रश्नपत्र गुडीको नोडल सेंटर रे पहुंचि सारिथिबा बेले समस्त प्रस्तुति रे परीक्षा आरंभ होई परीक्षार्थी माने कोविड नियम को कडाकडी पालन करबा को परीक्षा केन्द्र दायित्व रे थिबा अधिकारी को निर्देश दिया जाइछि परीक्षा केन्द्र को सानिटाइज करा जाइथिबा बेले प्रवेश पूर्वरु छात्र छात्रिंकर थर्मल स्कैनिंग करा जाउथिबा देखिबा को मिलिथिला परीक्षा परिचालना रे नियोजित शिक्षकक एंटीजन परीक्षा सह परीक्षा हॉल रे कोविड रो स्थिति अनुधान पाई स्वतंत्र कोविड स्क्वाड गठन करा जाइछि 15151 जन परीक्षार्थी को पाई 504 सेंटर करा जाइछि
तीनि थरर विधायक देउछन्ति दशम परीक्षा। सोरडा निर्वाचन मंडळीर बीजेडी विधायक पूर्णचंद्र स्वाई दशम परीक्षा देउछन्ति। विधायकक 50 वर्ष बयसरे परीक्षा दे से चर्चारे रहिछन्ति। सरकारी बालिका विद्यालयरे दशम बोर्ड परीक्षा देउछन्ति विधायक पूर्णचंद्र स्वाई। विधायकक स्वास्थ्यगत समस्या जोगु तांको पई आइसोलेशन रूमर व्यवस्था होईछि। मैट्रिक पास को नै विधायक विवादरे रहि आसिछन्ति। 2009 मसीहा निर्वाचन समयरे से सत्य पाठरे दाखल करिथिले ब्रह्मपुर स्थित महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज कैंपस हाईस्कल से दशम श्रेणी करिछन्ते। परे पुणी 2014 मसीहा 1988 मसीहा नवम पास करिछन्ते बोली सत्यपाठ दाखल करिथिले। एही सब जणापड़ा पर विधायक विवाद को आसीथिले। एथिपई 2015 मसीहा कोर्टरे केस मध्य फाइल होईछि। मिछ जणापड़ा पर विधायक आज पुणी परीक्षा देउछन्ते। खूब निकटरे कोविड कटकणार धज्जा उड़ाई हजार हजार लोकों को नहीं भोजी करी विवाद को आसिछन्ते विधायक जहाँ स्थानीय अंचल राजनीति ताति मध्य लागि रहिछि। आसवा पाणीपाग खबर को बंगोपसागर उपकूल संलग्न पश्चिमबंगे सक्रिय रही लघुचाप फल 48 घंटा मध्य लघुचाप पश्चिम मुहां हो पश्चिमबंग झारखंड और बिहार मध्य अतिक्रम कर संभावना रही है। प्रभाव में आसंता 48 घंटा मध्य ओडिशार अधिकांश स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा होगा सह गोटे दुईट स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही है। झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर बलांगीर और नुआपड़ा आदि जिलार गोटे दुईट स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही है। से 31 तारीख सुंदरगढ़ देवगढ़ और केन्दुझर किसी स्थान में प्रबल वर्षा होपे एणु यह दुई दिन उपरोक्त जिलागुड़ येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र। एथस 48 घंटा मध्य राज्यर अवशिष्ट जिलागुड़ हालुकारु मध्यम धरण वर्षा होपे संभावित प्रबल वर्षा प्रभाव में किसी जिलार तलिया अंचल सामयिक जलमग्न परिस्थित सृष्टि होवार संभावना रही है आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र पक्ष क बालेश्वर सिमुलिया थाना मारकुणा बाजार रे चोरी अभियोग। कानाडा बैंक रो ग्रिल एवं ताला भांगी चोरी होइथिबा अभियोग होइछे। विलंबित राति रे दुर्बृत्त माने कानाडा बैंक रो ग्रिल एवं ताला भांगी लूट करिछन्ते। आज सकाळे बैंक कर्मचारी माने बैंक रो ग्रिल एवं ताला भंगा जाइथिबा देखि सिमुलिया थाना को खबर दैथिले। खबर पाई सिमुलिया पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत चलाइछे। स्मार्ट सिटी राउरकेला सरकारी डाक्तरखाना रे स्वास्थ्य सेवार विकल चित्र। शज्या अभाव नवजात शिशु को धरी तले सुउछंती प्रसूति। शौचालय अवस्था न कहिबा भल केउठी कबाट भांगी जाइछि तो केउठी ओलिया गदा होइछि। 2017 अक्टोबर रे मातृ शिशु भवन को उद्घाटन करथिले मुख्यमंत्री। 20 कोटी रु अधिक टंका व्यय रे यहाँ निर्माण करा जाइथिला। हेले उद्घाटन परे 2 वर्ष जाए विभाग रे ताला पड़ीथिला। वर्षे तले यहाँ कार्यक्षम होइथिले मध्य रक्षणाबेक्षण अभाव रु दशा भुगुछंती गर्भवती महिला। एजाए मातृ शिशु विभाग रे अग्नि सुरक्षा व्यवस्था होइ पारे नाही। अव्यवस्था नहीं अभियोग कले डराइबा सह दुर्व्यवहार करछंती दायित्व रे थिबा अधिकारी। समय ही गला तो सेतेबेले आमे प्रथम गुरुंडिया हॉस्पिटल आसीथिलु। तापर रालकेला जेतेबेले आसला बेड़कु एठी रालकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल आसिक जेतेबेले आमे भीतर को पसि गलु सेतेबेले कहउछंती नै टिके अपेक्षा करो। अपेक्षा करला बेड़कु दीदीर देह तो कंडीशन खराब थिला। से पेट बथारे पूरा बहुत जोर रे कांदुथिले। नॉर्मल होनी ताहले से माने कहउछन ना टिके अपेक्षा करो। सेठु कहउछंती नै हो निया तमे ऑपरेशन जदि करबो हले कहिकि लेखि देले से माने से मैडम लिखी दे रागी किए। देखु यह निश्चित भाव विड़म्बनार विषय विशेषकर जो माँ एवं शिशु हॉस्पिटल रही जोटि की निहाती भल शौचालय आवश्यकता रही। शौचालय जे नथिला से कथा नुहे भारत सरकार जोगे दे 15 कोटी टंका एवं से 5 महला विशिष्ट कोठा है अत्यंत सुंदर कोठा है शौचालय ठू आरंभ कर समस्त प्रकार विधि व्यवस्था रखा जाता किंतु आज हॉस्पिटल कर्तृपक्षर उदासीनता कहतु दुर्नीतिखोर मनोवृत्ति कहतु आज कौ शौचालय भितर ठिकादार सामान पशि कौ शौचालय उभय महिला पुरुष व्यवहार करुछंती या निहाती निंदनीय कथा।
व्यवसायी को गोली मारी 70,000 टंका लूट अभियोग खोर्धा बाघमारी थाना बाघमारी बजार रास्तार एभली घटना घटी। सूचना अनुसार व्यवसायी मनोरंजन सामंतराय सौदा दुकान बंद कर घर को फेरुवा बेले पिछा कर चारज दुर्वृत्त बाघमारी बजार निकटें गोटे राउंड गोली माड़ कर 70,000 टंका लुट कर फेरार हो जाते व्यवसायी गोड़ में गुड़ बाजि जमापड़ खबर पाइ पुलिस घटनास्थल छानभिन कर गुरुतर आहत व्यवसायी को खोर्धा और परे एम्स मेडिकल रे भर्ती करा जाय छी। सारर चढ़ा दरर प्रतिवाद कर आक्रमण शिकार होती चारिज चाषी कहार मुंड फाटी तो कहार पुणी देहरे गभीर आघात लगी। गंजाम जिला खलिकोट ब्लॉक तथा पुरुषोत्तमपुर थाना बेड़ बीएनपुर गाँव में सारर चढ़ादर को नहीं चाषी समवाय समिति कार्यालय आगे प्रतिवाद करते सेठे हठात 10 ऊर्ध दुर्वृत्त आसी हाथ में मारणास्त्र धरी चाषी को आक्रमण कर फेरार हो जाता अभियोग चारिज चाषी माड़ और आक्रमण शिकार हो पुरुषोत्तमपुर मेडिकल को भर्ती होती गुरुतर दुईज चाषी को ब्रह्मपुर एमकेसीजी हस्पिटाल को स्थानांतर कर पुरुषोत्तमपुर पुलिस निकट में एतला देवा पुलिस तदंत आरंभ कर। कोरोना काल में अनाथ होता पिला उभय केन्द्र और राज्य सरकार अनेक योजना घोषणा करते अनेपटे अनेक जिले में ठीक भाव में अनाथ शिशु तथ्य संग्रह अभियोग आसुठ गुरुत्वपूर्ण कथा देश में महामारी में हजार हजार शिशु निजर माता पिता हर अनाथ होती जदि प्रशासन ठीक भाव में अनाथ शिशु तथ्य संग्रह नक तेज राज्य में हजार हजार असहाय शिशु उभय केन्द्र और राज्य सरकार योजन वंचित तो हे यार एक उदाहरण देखा मिली गंजाम जिले देखा रिपोर्ट। ये हेउछन्ति छत्रपुर भंडारी साहिर विजय लक्ष्मी बेहरा। गत दुई मास तले स्वामी सूर्य बेहरा कोविड्रे चलीगला परे एबे परिवार चलाइबा कष्टकर होई पड़िछि। विजय लक्ष्मी को 12 वर्षर झियो परिवार भड़ा घरे रहउछन्ति एते दुख कष्टरे बंचुतिबा विजय लक्ष्मी को एपर्यंत आशीर्वाद योजना रे शामिल करा जाय नाही। ये हेउछन्ति नुआसाही बासिंदा अर्चिता नायक। स्वामी कोरोना रे चलीगला परे हैरान हो निज पु और झी को पाठ पढ़ाऊण करज करी परिवार हेले एही परिवार पर योजना सात सपन ए दुईट उदाहरण अनुमान करतु राज्य में अनाथ होता शिशु तालिका केते सठिक भाव प्रस्तुत हो घर भड़ा रे 4,000 टंका तो मुझार तीन मस भड़ा दे तो मुझे बहुत कष्ट मत सरकार तरफ कि घर देखा भी आम पाई बहुत कष्ट आशीर्वाद योजना मत नहीं पेपर नहीं सब फर्म मैंने तो एपर्त मुझे कि पाए स्वामी दिन चली गले आम पक्ष सब केवल एही दुईटी परिवार नुहे कोरोना काल रे गंजाम जिले में अनाथ होता 2066 जन शिशु एवं आशीर्वाद योजना रे सहायता अपेक्षार कोरोना काल रे राज्य सरकार द्वारा आरंभ होता आशीर्वाद योजना रे बापा किंबा माँ को मध्यरु जणे नथिले शिशु को मासिक 1500 टंका और उभय पितामाता नथिबा शिशु को मासिक 2500 टंका सहायता प्रदान करा जाउछि। हेले गंजाम रे एही योजना ठीक भावे कार्यकारी होई पर नथिबा अभियोग आसीछि। आशीर्वाद योजना रे गंजाम जिला रे 2370 जन अनाथ शिशु को चिन्हट करा जाइथिला सेथि मध्यरु 474 जन को सहायता मिलुछि आहुरी 2066 जन अनाथ शिशु उक्त योजना रे शामिल हेबा को बाकी अछन्ति। ग्रासरूट लेवल रु चिन्हट हे कि लिस्ट आसी पिलांकर से 800 जन आम कम्प्लीट भेरिफिकेशन कर डॉक्यूमेंट और से 474 जन को आम ऑलरेडी आशीर्वाद स्कीम अंडर जहाँ पाइबा कथा टाटा दुखर कथा जीवित अवशिष्ट 1970 जन खाइबापी वंचित होती अपेक्षार अच्छा आज दिन में मुझे अर्घ्य स्कीम मध्यम जन चाहती राज्य सरकार तुरंत से ही परिवार वर्ग को
आर्थिक आशीर्वाद योजन आर्थिक सहायता प्रदान करूँ नतुब आगामी दिन में विरुद्ध जिलाव्यापी जन आंदोलन हम। कोरोना महामारी रे अनाथ होइथुआ पिलांक संख्या केते से नै सूचना देबाकु कहितिले सुप्रीम कोर्ट। गत 26 जुलाई रे जातीय शिशु सुरक्षा संरक्षण आयोग सत्यपाठ दे सुप्रीम कोर्ट को जणाइछंती देशरे 75,320 अनाथ शिशु चिन्हट करी बाळ स्वराज पोर्टल ले अपलोड करा जायछि। सेथिमध्यरु द्वितीय सर्वाधिक राज्य भाबे ओडिसारु 6,562 अनाथ शिशु को चिन्हट करा जायछि। एमानंक मध्यरे थिबा 818 जन उभय बापा माँ को हर 5,742 जन बापा किंबा माँ जन को हर आउ दुई जन परित्यक्त शिशु किंतु एही संख्या बाद राज्य में आहुरी अनेक अनाथ होइथिबा आकलन कराउछि। झारसुगुड़ा भलिया छोटिया जिले में 748 अनाथ शिशु चिन्हट हो पारिछंति। समग्र राज्य में कोरोना महामारी समय निजर बापा माँ को हर 25,000 रु ऊर्ध शिशु अनाथ होता नहीं अभोग आनी सामाजिक कर्मी टोटाली 54 केस रु 52 टी आम अभियोग सहित मैच कर लखनपुर 1-3-4 रघुनाथपाली रुईटी पिला रघुनाथपाली रुईटी पिला आमती अच्छा सतट पिला तर सतटी आम भावु तीनो सी एन सी भी पारती जो विश्व पर महामारी हजार हजार शिशु निजर माता पिता हराई अनाथ हो जाती। जदि प्रशासन ठीक भावे अनाथ शिशु तथ्य संग्रह करे राज्य में हजार हजार असहाय शिशु उभय केन्द्र और राज्य सरकार योजन वंचित हेबे। ब्रह्मपुर विस्मय प्रधान सहित झारसुगुड़ सुरेन्द्र बारी रिपोर्ट अर्गस न्यूज। गोटे पटे कोरोना महापरी महामारी आउ अन्य पटे डेंगू वर्तमान राज्यवासी को जनजीवन को व्यतिव्यस्त करुछि। यार भितरे किंतु बीजेपी वर्तमान सचेतनता राली आरंभ करिछि जे डेंगू को नहीं केमती लोक मैंने सचेतन हेबे। पूरा सीधासलख जीवा चित्र देखा आम सहित स्वप्ना जोड़ी होती भुवनेश्वर एवं ताजा दृश्य देखापी चाहबू जे जो विजुआल आसी पहुँचुची भुवनेश्वर आप दृश्य देखुंज आज बीजेपी राज्य में जे विरोधी मुख्य विरोधी दल हिसाब से निजक गढ़ी तोली से आज लोक मान डेंगू सचेतनता करने राजरास्ता को ओल्लना बर्तमान रैली मुख्य उद्देश्य कौन रही है निहत भाव चिन्मय जो भाई भाव में कोरोना महामारी समय डेंगू राजधानी लोकंर चिंता बढ़ाई आपत सीधा साल चित्र देखुए जो भाई भाव में बीजेपी आज राजधानी विभिन्न जगार आज प्रतिवाद स्वर राज्य सरकार कार्य प्रति एवं जो बीएमसी लोक मानी अवहेला रही तार स्वर प्रतिवाद स्वर आज उठे कहीं लोक मानू स्वास्थ्य व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा ठीक भाव में पहुँचाई पारे बोली बीजेपी अभियोग आनी कहीं दैनिक संक्रमण चिन्मय 30-40 वृद्धि पाता बेले वर्तमान बीजेपी यार विरोध करीएमसी कार्यदक्षता उपर प्रश्न उठे कहीं पूर्वर बीएमसी कोटि कोटि टंका परिमल बाबद खर्च करपर्यंत कहीं मशा तेल विभिन्न जगार पहुँची ड्रेन जो जल परिष्कार ठीक भाव में पहुँची ना तेणु ताकू नहीं आज बीजेपी प्रतिवाद कर मैडम आम सहित जोड़ी होती मैडम कौन कहते कहीं दुखर कथा आज कोरोना महामारी समय रे आमको बाहर को आसपा पड़ुछि जे आज भारतीय जनता पार्टी ये आंदोलन को ओल्लैसी कारण आप देखु कोरोना महामारी समय रे लोक मैंने निजर जीविका जीवन पर लड़े करुवा बेले आज कौटिना कौटि ओडिशा सरकार विशेषकर बीएमसी भुवनेश्वर महानगर निगम अपारगता एवं स्थाणुता आज राजधानीवासी डेंगू आक्रांत होती आज जो भाई भाव स्थिति देखते एत संगीन हो प्रत्येक वार्डे अलिया गदा हो रोचे सफा हो ना ड्रेन जाम हो कौन प्रकार मशा तेल ना धूआ ना तो ये जो कोटि कोटि टंका आसी भाव में परिचालना करने से पैसा गला कड़े तार जवाब भारतीय जनता पार्टी मगुच द्वितीय है आज जो भाई भाव में देखत स्थिति जो भाया होती लोकों पाखे रक्तर अभाव देखा डेंगू है मैंने समस्ते जानती पेटलेस डाउन हम रक्तहीनता देखा तो आज कोरोना महामारी समय लोक रक्तदान करने डरुँच से भाया स्थल आज रक्त भंडार रक्तर अभाव रही आज बेसिक जिनस कथा कहतु आज डाक्टरखाना बेड्र अभाव रही कौ भाव सरकार ये मानते स्थाणु बस
କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଖରେ ନାର ନଜିର ରହିଲା ଯେ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଧୂଆଁ ଦେଉଛୁ, ତେଲ ପକାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟା ଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥା ହେବା ପରେ କରାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ହେଲା ଏଠି ବିରୋଧାଭାସ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଏଠି ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଡିଣ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫଳ ଶୂନ ଚିତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଏଠି ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେଲୁଆର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏଠି ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇଛି, ମୁଁ ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଭଳି ଯେ କରୋନା ଭଳି କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଡରେଇଛି, ଭୟଭୀତ କରୁଛି। କରୋନା ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଏଠି ନୂଆ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳ ଆମେ ଆଜି ଭୋଗୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବ। ସାର୍, ବିଏମ୍ସି କହୁଛି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମଶା ତେଲ ପକାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବିଏମ୍ସି କେବଳ ଧୂଆଁ ମଣ ମାରୁଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ବିଏମ୍ସି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟିଭିରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲା, ଆମେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପଶିଛୁ। ମୁଁ ଏ ଏରିଆରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମ୍ସି ଗଳିକନ୍ଦିକି ପଶିନି। ଆପଣ ଗଳିକନ୍ଦିକି ପଶିଲେ ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଇ ପାରିବେନି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଜାଗା ଜାଗା ଫୁଟେ ଫୁଟେ ପାଣି ଶୈଶ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇକି ରହୁଛି, ଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାର କାରଣ। ଆମେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। କାଲି ସକାଳର କଥା କହୁଛି, କାଲି 10-20 ଜଣ ମା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ମା କ'ଣ ନା ଆମ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆମର ଡେଙ୍ଗୁରେ ପଡ଼ିବନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ, ନା ସରକାର ବିଏମ୍ସି ଘୋର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ହେଇ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବିଏମ୍ସି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପଶିଲାନି, ଆଦୌ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପଶିନି। କାଲି ବୋଧେ ଦେଖିଥିଲୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ବାର ବୋଧେ ମଶା ଧୂଆଁ କେଉଁଠି କାମ ହାଁ ଏରିଆରେ ବୁଲିଛି, ଆଉ ନହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମ୍ସି ଗଳିକନ୍ଦି କି କୌଣସି ବସ୍ତି କି ସାହି କୌଣସି ଗୁଜାରେ ପଶିପାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣ ଡେଙ୍ଗୁ କେମିତି ନବାବୁ, ଡେଙ୍ଗୁର ନିରାକରଣ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ, ବିଏମ୍ସି ଆମର ଏହା ଦାବି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ରଖୁଛ ଏଇ ବିଜେପି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି, କାହିଁକିନା ବିଗତ ଦିନରେ କରୋନା ହୁଏତ ନୂଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା, ତେଣୁ କାହିଁକି ସଚେତନତା କରାଗଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ପୁରା ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳରେ ତା'ର ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବ କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଠୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଳିଗଲାଣି, ଏଠି ବିଏମ୍ସି ନା ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରୁଛି, ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଶା ଧୂଆଁ ଦେଉଛି, ନା ଡ୍ରେନ୍ରେ ତେଲ ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରାୟୋଜିତ ରୋଗ। ଡେଙ୍ଗୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ବଢ଼ିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ହିଁ ଦାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। ଏଠି ବିଏମ୍ସି ଆଉ ଅଫିସରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଧୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 12 ମଣ୍ଡଳର 12 ଜାଗାରେ ମାନେ ସମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କରୋନା ଭଳିଆ ସମୟରେ କରୋନା ରୋଗରେ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଏ ବିରୋଧ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପୁରା ଆମେ ଦାବି ବି ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଲୋକ ଏଠି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରତିକାର ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳରେ କରାଯାଇଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଦାବି, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଜେପି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, କାରଣ ଯଦିଓ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହଁ। ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଡେଙ୍ଗୁର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ, ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଆଜି ଏଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।
गत 24 घंटा मध्य राज्य में 66 जन जीवन नहीं महामारी यासह राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 5834 को वृद्धि पाई। सुंदरगढ़ जिलार सर्वाधिक 11 जन रही बेले खोर्धा 8 जन रही। अंपटे गत 24 घंटा मध्य राज्य में 1558 जन कोरोना पजिट चिन्हट होती 904 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण 654 जन पजिट रही। राज्य में मोट 975690 जन पजिट चिन्हट होता बेले 953088 जन सुस्थ होती। राज्य में एवं 16715 जन सक्रिय संक्रमित रही। समस्त अच्छे बुलेटिन को ये रखुचु। नमस्कार।